Students, welcome once again to the Aval Academy of Education. In today's video, we are going to start here with CBSE class 10th math. Chapter is 13, surface area and volumes. Right? So before proceeding into the chapter, we should do some basic. Right, related to the chapter. So in this chapter हम बार बार पढ़ेंगे the term solids. Solids, जैसा कि आपको पता है, the bodies occupying space are called solids. Anything that occupies space and has mass is called solid. So ये solid bodies किस shape में हम देखते हैं ज़्यादातर? Cuboid, cube, cylinder, a cone and sphere, various shapes etc. right? तो इस chapter में हम ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से deal करेंगे. Right? Now इसमें एक और चीज़ आप बार बार पढ़ोगे, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड. तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इज द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. राइट, इफ आई ड्रा दिस, सो ये जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, ये सारा, इट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. राइट, सो वॉल्यूम को, जैसा कि हम आपको पता है कि कैसे मेजर करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर क्यूब में. राइट, क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख देते हैं उसको, या क्यूबिक सेंटीमीटर लिख देते हैं और क्यूबिक मीटर्स, मीटर क्यूब एटसेट्रा, बाकी बाद में हम स्टडी करेंगे इसको. अब इसमें एक टर्म और पढ़ोगे, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड. राइट, सो सरफेस एरिया मतलब अगर आप बेसिक चीज़ें समझकर चलोगे तो इस चैप्टर को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आप बेसिक चीज़ नहीं करोगे तो उसमें बार बार कंफ्यूज होते रहोगे आप. राइट, सो द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स टोटल एरिया दैट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज. राइट, टोटल एरिया दैट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज. मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसने जो एरिया, इसकी सरफेस ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है, हम उसे बोल देते हैं सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया. राइट, द यूनिट्स ऑफ सरफेस एरिया आर स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल देते हैं या मीटर स्क्वायर बोल देते हैं. राइट, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको परेशान करेगी, दैट इज़ ये तो है सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया. सो लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज़ द मेजर ऑफ टोटल एरिया ऑफ इट्स लेटरल साइड्स और द साइड फेसिस. राइट, द फेसिस एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सरफेस. अब मैं यहाँ पे कहूँ तो इस साइड, इसका और इसका साइड फेसिस का जो एरिया है, इसको छोड़कर, ऊपर वाली सरफेस को छोड़कर जो एरिया है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया. राइट, अब कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स भी होती है जो कर्व, उनकी एक साइड कर्व होती है, जैसे कि सिलेंडर और एक कोन. जैसे ये एक कोन शेप हो गया, तो ये इसकी एक कर्व्ड सरफेस हो गई, या एक ये सिलेंडर हो गया, इसकी दो कर्व्ड सरफेस हो गई, एक ऊपर एक नीचे. राइट, तो इन जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो इसको इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा उसे हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया. दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और लेटरल लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं. राइट,
मतलब इस लेटरल सरफेस एरिया को इन इनकी टर्म में हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। सो कर्व सरफेस एरिया ये होता क्या है? मेजर ऑफ टोटल एरिया ऑफ ऑल इट्स कर्व सरफेसेस। तो इसका जब हम कर्व सरफेस एरिया से मतलब होगा हमारा कि मेजर ऑफ इन दोनों कर्व सरफेसेस का एरिया और यहाँ पर जो कौन होगा इसकी एक कर्व सरफेस एरिया का बोलेंगे, राइट। अब आगे चलेंगे हम कुछ जो सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय सिक्स रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। अब जैसे कि हेयर इज ए क्यूबॉइड इज ड्रॉन हेयर, तो ये क्या है? ए सॉलिड बाउंडेड बाय सिक्स रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। सिक्स रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस में आप डेली देखते होगे कि जैसे मैच बॉक्स, एक चॉक बॉक्स, ए टी पैकेट, ए ब्रिक, अ बुक एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हैज सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 एजिस एंड 8 वर्टाइसेस, राइट। सो अब हम यहाँ पर इनके बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर फेसेस क्या हैं, एजिस क्या हैं और वर्टाइसेस क्या हैं। सो ये जो फिगर है, अब इसको ध्यान से देखिए कि सिक्स फेसेस कौन से होंगे। पहला फेस हो गया ए, बी, सी, डी, दिस इज द फर्स्ट फेस, राइट। अब दूसरा फेज क्या हो गया? ई एफ जी एच। दूसरा फेज नीचे वाला, ई एफ जी एंड एच, राइट स्टूडेंट्स। अब थर्ड फेज हो गया ई एफ बी ए। थर्ड फेज ई एफ बी ए, ये वाला आगे वाला, राइट। ये मैं इसका थर्ड फेज ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ई एफ बी ए, ठीक है बच्चों। फोर्थ फेज क्या हो गया? एच जी सी डी, एच जी सी डी, इसको हम यहाँ पे रबी कर देते हैं, आपको ये से ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। फोर्थ फेज क्या हो गया? एच जी सी डी, पीछे वाला। नेक्स्ट क्या हो गया? ई एच डी ए, ई एच डी ए, साइड वाला हो गया ये। इस साइड का हो गया बी एफ सी। ये इसके सिक्स फेसेस हो गए, ठीक है। इनमें से अब जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा लेटरल जो है, इन सिक्स फेजेस में से फोर साइड फेजेस हैं, राइट। साइड के जो हैं ई एफ बी ए, ई एफ बी ए, एच जी सी डी, एच जी सी डी पीछे वाला हो गया, और ये साइड वाले दो हो गए ई एच डी ए, ई ई एच डी ए ये वाला हो गया, और बी एफ सी जी, बी एफ सी जी। तो ये जो साइड फेजेस हो गए हमने ऊपर पढ़ा, इनको हम बोलेंगे जो साइड में है इनको बोलेंगे हम लेटरल फेजेस, ठीक है बच्चों। जो ऊपर वाले दो निकाल देंगे, बाकी जो चार बचे वो हो गए लेटरल फेसेस। अब इसके हम देखने हैं एजिस। तो एजिस हो गए 12। 12 एजिस कैसे देखने हैं आपको? फर्स्ट ए बी, सेकेंड सी डी, ये वाला अलग अलग कर देंगे इनको, तो ये फे इसके एजिस हो जाएंगे ए बी सी डी किनारे। फिर ई एफ, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, राइट। क्योंकि थ्री डायमेंशनल फिगर है तो अंदर वाला जो है इमेजिन करके चलना पड़ेगा। ए ई डी एच, डी एच, ए ई डी एच, बी एफ सी जी, बी एफ सी जी, राइट। ए डी, ए डी, ए डी, ये ए डी, ई एच इसके सामने वो हो गया। एफ जी,
एफ जी एंड बी सी, ठीक है, ये इसके 12 एजेस हो गए। अब बच्चों को पढ़ते रहते हैं लेकिन एजेस के बारे में पता ही नहीं चलता, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। उसके बाद वर्टाइसिस के बारे में भी बच्चों को पता नहीं चलता, तो 8 वर्टाइसिस आर, ये देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये जो है क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ तो ये जो फिगर अब हमें पता चल रहा है कि इट इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर, तो अब इसमें हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के बारे में बोलते रहे तो वो कैसे पता चलेगा। सो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो जो लेंथ है ये रही इसकी यहाँ पर, ये एफ जी लेंथ, राइट। अब ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ और हाइट तो आपको क्लियर ही होगा, दिस इज हाइट। अब अगर मैं इस फिगर को खोल दूं पूरा, जैसे कि नेक्स्ट पेज में इसके पूरे नेट को खोल दूं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें। ये देखिए, अब जैसे मैंने इसको खोला, ये हमने फिगर को खोल दिया पूरा, राइट। तो इसमें अब क्या हुआ कि जो हाइट, सबसे पहले देखिए लेंथ कहाँ पे गई आपकी, लेंथ ये रही, राइट, ब्रेड्थ ये रही, हाइट हाइट ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये भी सामने इसकी ब्रेड्थ हो गई, सामने जो है लेंथ हो गई। तो इसको जब हमने खोल दिया तो क्या बना, 6 फेजेस ऑफ द क्यूबॉइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर फेसेस, नेमली 1 2 3 4 5 6। अब जो है आप यहाँ पे देखेंगे इसको 1 and 2, राइट, जो इसके 6 फेसेस थे वो क्या बन गए, 1 2 3 4 5 and 6, राइट। आप जैसे कि पीछे मैंने बताया था आपको, सिक्स फेसेस आपने माइंड में लेके आइए कि जैसे ये था यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ बी ए, ई एफ बी ए एंड एच जी सी डी ई एच डी ए बी एफ सी जी, इन सबको हमने अलग अलग कर दिया। तो इनको अब बता दिया आपको, ये 6 फेसेस को ऐसे बन गया ये, राइट, 1 2 3, इसको जब खोला तो ऐसे बन गया। तो अब ये रेक्टेंगल्स बन गई, कितनी रेक्टेंगल बन गई, 1 and 2, ये सिमिलर रेक्टेंगल्स, 1 and 2, 3 and 4, ये 1 and 2, तो 1 and 2, राइट, 3 and 4, 3 and 4, 5 and 6, 5 and 6, this is 5, this is 6, and तो अब इसको हमने करना कैसे, तो इन सब रेक्टेंगल्स का अलग अलग एरिया लेंगे हम। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इन टू ब्रेड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड का हो गया लेंथ इन टू ब्रेड, दो रेक्टेंगल हैं तो इसलिए 2 आ गए यहाँ पे, 2L into B, 3 and 4 के लिए भी, तो 3 and 4 में क्या है, B into H, जो हाइट है अब उसकी लेंथ बन गई, तो B into H, राइट। एंड रेक्टेंगल 5 and 6 में देखिए 5, ये बन गया L, ये तो L ही है, H जो है इसकी ब्रेड्थ बन गई, तो L into H। तो अब यहाँ से निकलेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या बन गया, 2
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अब क्या बनने जा रहा है इज इक्वल टू 2L इंटू बी, पहली ट्राइंगल का सॉरी ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल का, 2B इंटू एच, पहली और दूसरी का ये था, दूसरी और तीसरी का, तीसरी और चौथी का ये हो गया, प्लस फिफ्थ एंड सिक्स का 2L इंटू एच। अब हर चीज़ दो दो बार आ गई है, तो अगर इसको ओपन करेंगे हम तो ये क्या बन गया 2L, 2L, 2L इंटू 2B प्लस 2B इंटू 2H प्लस 2L इंटू 2H, राइट, टू टाइम्स L, या फिर इसको और छोटा करें हम, इसको और छोटा करेंगे तो ये क्या बन गया 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, राइट, तो दो कॉमन आ गया, तो LB प्लस BH प्लस LH, तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज दिस, तो यहाँ से ऐसे फार्मूला ये बनता है। तो अब हम चलेंगे क्या लेटरल सरफेस एरिया की तरफ, लेटरल सरफेस एरिया। अब ये लेटरल सरफेस एरिया कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट और सेकंड जो रेक्टेंगल है वो क्या है, बॉटम फेस और टॉप वाला फेस, ठीक है, एंड 3, 4, 5, 6 क्या हैं, वो चारों जो हैं साइड के फेस यानी लेटरल फेस कर देंगे, ठीक है, लेटरल फेस। तो क्या बनेगा फिर इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या बन जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 3 and 4 एंड टोटल सरफेस टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स 5 and 6, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 and 4, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 and 4 क्या था 2 into b into h प्लस 2L into h, तो ये क्या बन गया, टू बी एच प्लस 2LH। अब एच एच कॉमन आ गया इसमें, तो और 2 कॉमन आ गया, तो 2L प्लस बी इंटू एच को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया का। तो इसमें इस एरिया में क्या हुआ, क्या चीज़ छोड़ दी हमने, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, टॉप और बॉटम जो है लेटरल सरफेस एरिया से बाहर हो जाता है, तो इसलिए तो ये बन गया लेटरल सरफेस एरिया। तो टॉप और बॉटम यानी ये वाली रेक्टेंगल और ये वाली रेक्टेंगल, ये फर्स्ट एंड सेकंड का जो हमने वो निकाल दिया एरिया, तो हमारे पास बचा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, राइट। अब चलेंगे हम इसके वॉल्यूम की तरफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट, इसके लिए मुझे थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी, तो सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है कि वन, मान लो कि क्यूब की साइड जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या बन गया, साइड इंटू साइड इंटू साइड 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, सॉरी वॉल्यूम क्या बन गया, साइड इंटू साइड इंटू साइड 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, जो कि ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसका, वॉल्यूम का, राइट। अब हम कहते हैं कि कुछ क्यूब्स जो हैं हमने जिनकी डायमेंशन साइड इनटू साइड है, इनको जोड़ जोड़ कर एक क्यूबॉइड बना दिया,
राइट, ये क्यूबॉइड ऐसा है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो लेटरल सरफेस एरिया जो है, यही फार्मूला बनता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम। अब एक कमरे की छत और इसको फ्लोर को निकाल दिया जाए, रूफ और फ्लोर को निकाल दिया जाए, तो क्या बचा? वो एक लेटरल सरफेस एरिया ही बचा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमें मिलेगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ आ रूम, ये आपने माइंड में रखना है। वो इसको लेटरल सरफेस एरिया ही बोलेंगे, राइट। अब चलेंगे हम, जैसा कि हमने क्यूब्स जोड़ दिए तो हमें मिला क्या? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, एंड दिस वन इज हाइट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? तो ये हमने इमेजिन कर ली लेंथ, ब्रेंथ एंड हाइट क्यूबॉइड की। अब हम इसको जो है पूरे वी विल सेपरेट दिस क्यूबॉइड, राइट। कैसे करेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अब ये क्यूबॉइड हमने जो है सेपरेट कर दिया। पीछे देखिए, जैसे इसकी थ्री लेयर्स बनी थी, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर और ये वाली, राइट। तो इसको जब हमने सेपरेट कर दिया तो ये हमें मिल गई, ये टॉप लेयर आ गई, ये मिडल लेयर आ गई और ये लोअर लेयर आ गई, राइट। तो तीनों में लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, हाइट इस साइड पे आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा? नंबर ऑफ क्यूब्स इन ईच लेयर, नंबर ऑफ क्यूब इन ईच लेयर अगर हमने निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? एल इन टू बी, एल इन टू बी, एल इन टू बी, राइट। नंबर ऑफ लेयर्स अगर हमने क्यूब निकालने हैं, क्यूब इन ईच लेयर, दैट वुड बी एल इन टू बी, राइट, एल इन टू बी। और नंबर ऑफ लेयर्स निकालनी है तो हमें मिलेंगी वो एच, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्मिंग द क्यूबॉइड, अब नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं? एल इन टू बी इन ईच लेयर, और लेयर्स कितनी हैं? वो एच, तो एल इन टू बी इन टू एच। देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना हो गया? हमें मिला हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने पिछले पेज पे देखा। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल द क्यूब्स कितना हो जाएगा? एल बी एच, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो गया, राइट, और वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बन गया एल बी एच सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या बन गया? एल बी एच सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। अब मुझे लगता है कि ये आपको जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा क्यूबॉइड का, राइट। तो ये अब तक हमने क्या सीखा? जैसे समरी के लिए ये हमने ये फार्मूला सीखे हैं चार: वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एल इन टू बी इन टू एच सेंटीमीटर क्यूब, डायगनल ऑफ द क्यूबॉइड। हाँ, ये नया है, जब आपने डायगनल निकालना है क्यूबॉइड का तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, दैट इज रूट डायगनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या रहेगा? रूट एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर, राइट। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH इंटू LH, ये हमने पढ़ा था। टोटल सरफेस एरिया ये हमने डिवाइड किया था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, तो ये आएगा किस में? स्क्वेयर यूनिट्स में, जो जवाब आएगा मीटर स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर। और उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया
ये हमने निकाला था 2 इंटू एल बी इंटू एच, ये भी स्क्वायर यूनिट्स में। और एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम, ये अलग से जैसे मैंने पीछे दिखाया था, एरिया ऑफ फोर वॉल्स मतलब छत और उसको छोड़कर फ्लोर को, ये आ जाएगा आपका 2 एल इंटू बी इंटू एच स्क्वेयर। ये सेम ही है लेटरल सरफेस एरिया के बाद, ठीक है बच्चों। तो ये निकल गया हमारा यहाँ पे क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम चलेंगे क्यूब की तरफ। नेक्स्ट बच्चों, अब हम चलेंगे क्यूब की तरफ। इसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। ये इनको क्यूबॉइड समझ में आ गया, उनको क्यूब भी समझ में आ गया है। तो देखिए क्यूब, ए क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। तो क्यूबॉइड में देखा हमने लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगी और हाइट अलग अलग होगी, तो इन तीन इसमें क्यूब में क्या रहेगा, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल, जैसा कि ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज अ क्यूबॉइड, राइट। सो क्यूबॉइड का एग्जांपल क्या है, आइस क्यूब्स, शुगर क्यूब्स, डाइस एट्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ क्यूब, राइट। सो ईच एज ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड इट्स साइड, ये आपको पता चल गया है कि ईच एज, जो एज है उसी को हम साइड बोलेंगे। सो अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें, अ क्यूब हैज सिक्स आइडेंटिकल स्क्वायर फेसेस, क्यूबॉइड में भी सिक्स थे, तो इसको जब हमने खोल दिया, इस क्यूब को जब हमने खोल दिया तो हमें क्या मिला, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट बच्चों। तो अब आपने जो घबराना नहीं है, इसको बस समझ लेना, दिमाग में डाल लेना। तो इसके जो सिक्स फेसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सिक्स फेसेस में एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये सारे क्या हैं, ऑल आर क्यूब, ऑल फेसेस आर ना सॉरी स्क्वेयर स्क्वेयर है। सो मान लो इन स्क्वेयर में हर एक की साइड जो है ए यूनिट्स हैं, राइट, साइड इक्वल टू ए यूनिट्स, तो देयरफॉर एरिया एरिया ऑफ ईच स्क्वायर क्या बन जाएगा, ऑफ ईच स्क्वायर, अब हमें स्क्वायर स्क्वायर का एरिया पता होता है, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर यूनिट्स बन गया। तो अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सिक्स फेसेस, ये दिया है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब वुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल सिक्स फेसेस ऑफ द क्यूब, राइट। सो सिक्स फेसेस हो गए, सिक्स, एक का एरिया हो गया ए स्क्वेयर, ये हमने यहाँ पे निकाला, तो ये कितना बन गया, सिक्स ए स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सो इसी तरह लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बनाऊँगा, ये इसको रख करूँगा। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब
तो बच्चों क्या बनेगा वो देखिए, यहाँ पे दिया है सम ऑफ एरियाज ऑफ इट्स फोर साइड्स, इट्स फोर फेसेस, सम ऑफ एरिया ऑफ फोर फेसेस, फोर फेसेस हो गए, एक फेस का एरिया ए स्क्वेयर, तो ये कितना बन गया, फोर ए स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट्स, राइट, फोर ए स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया, ये था टोटल सरफेस एरिया। आगे चलेंगे अब हम, सो अब ये जो एक क्यूब है, क्यूब को हम क्या कह सकते हैं, एक क्यूब मे बी रेफर टू एज ए क्यूबॉइड विथ लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू ए यूनिट्स, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है, राइट। अब हम अगर इस एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए यूनिट्स को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे, इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये क्या बनेगा, इनमें सारी साइड्स बराबर हैं, तो ए इंटू ए इंटू ए, ये बन गया ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। सो साइड्स और एज बराबर है इसका, तो ए यूनिट्स। तो अब हमने यहाँ तक ये सीखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, डायगनल ऑफ द क्यूब जब निकालना है, डायगनल ऑफ क्यूब, तो ये बन गया ए रूट थ्री यूनिट्स, राइट। टोटल सरफेस एरिया हमने पीछे पढ़ा, सिक्स ए स्क्वेयर टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इज फोर ए स्क्वेयर यूनिट्स, तो ये क्यूब का हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम चलेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, राइट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सो इसमें भी आपने घबराना नहीं है, तो सिर्फ बेसिक चीज़ सीखने की कोशिश करनी है, राइट। तो सबसे पहले सिलेंडर की शेप कैसी रहेगी, ये देखिए, ये थोड़ी लाइट है, मैं इसको डार्क करने जा रहा हूँ या मैं इसको ड्राई कर देता हूँ, ये देखिए, ये एक सिलेंडर की शेप ऐसी रहेगी, राइट। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस रहेगी इसकी, तो ये बन गया एक सिलेंडर। तो सॉलिड लाइक सर्कुलर पिलर्स आपने देखे होंगे, सर्कुलर पेंसिल्स, गैस सिलेंडर्स, मेजरिंग जार्स, रॉड रोलर एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप। ए सिलेंडर हैज टू सर्कुलर एंड्स शोन बिलो, एक एंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, राइट। द रेडियस ऑफ ई सर्कुलर एंड इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये ध्यान में रखना, रेडियस ऑफ ई सर्कुलर एंड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये इसका जो रेडियस रहेगा ये वो सिलेंडर का रहेगा। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड इट्स लेंथ, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड इट्स लेंथ, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड इट्स लेंथ। एवरी सर्कुलर एंड ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड इट्स बेस, 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 राइट। तो अगर हम इस सिलेंडर को, जैसे कि हमने क्यूब और क्यूबॉइड को खोला था, इसको अगर खोल देंगे तो ये कैसा रहेगा, पहले आप इस फिगर को समझ लीजिए, तो आपको फार्मूला याद करने रटने इजी रहेंगे। तो जब हमने इसको खोल दिया, तो ये थोड़ा यहाँ पे मिट गया है, मैं इसको यहाँ पे खोल कर दिखा देता हूँ आपको, कि जैसे मैंने इसको यहाँ पे खोल दिया सिलेंडर को, ये सिलेंडर का बीच वाला हिस्सा आ गया, राइट।
और ये दो हो गए इसके सर्कुलर एंड्स, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, राइट। तो इसकी कर्व सर्फेस को अलग निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेयर द रेक्टेंगल व्हेन रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, एल फॉर्म्स द कर्व सर्फेस ऑफ द सिलेंडर विद वर्टिकल हाइट एच इक्वल टू द ब्रेथ। ये जो वर्टिकल हाइट थी उसकी, ये ब्रेथ बन गई है। कहाँ, कैसी वर्टिकल हाइट, देखिए इस पे, ये जो वर्टिकल हाइट, तो ये जो है इसकी ब्रेथ बन गई, राइट। सर्कल और जो इसके थे वो हमने अलग कर दिए। अब यहाँ से हमने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेंथ एल ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ एल ये ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो है सर्कल की सरकमफ्रेंस सर्कल के घेरे के बराबर है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, 2πr, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे। और जो ब्रेड्थ है ये हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर है, हाइट क्या थी, h, राइट। तो यहाँ से मिलेगा हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या बनेगा, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो क्या है, एल इन टू बी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया में पता है एल इन टू बी। पर इस केस में एल क्या है, एल है 2πr, और बी क्या है, ब्रेड्थ क्या है, वो उसकी हाइट है, लेटरल हाइट। तो ये बन गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 2πrh। अब अगर हमें कहे कि टोटल सरफेस एरिया, ये तो हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाला, दो दो कर्व सरफेसेस हैं। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेसेस को भी मिला के और रेक्टेंगल को भी मिला के, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टोटल एरिया ऑफ, एरिया ऑफ टू सर्कल्स है ना, ये वाले, ये और इनका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या निकाला, 2πrh, और दो सर्कल हैं, इसका रेडियस भी पिक्चर में आएगा और इसका रेडियस भी पिक्चर में आएगा। तो ये बन गया आर इन टू आर, 2π इंटू आर इंटू आर। तो ये क्या बन गया, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, 2πr कॉमन है तो क्या बचा, 2πr कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा, h। तो यहाँ पे दो आर थे, एक आर बाहर चला गया, तो ये स्क्वायर यूनिट्स में इसका, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आएगा, ठीक है। तो ये बन गया सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस आर एंड हाइट h, राइट। तो अब मैं इसको रब करूँगा जगह बनाने के लिए। अब बच्चों इसमें देखिए, वॉल्यूम सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हो गया उसका, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब हम चलेंगे वॉल्यूम की तरफ, वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम निकालते टाइम हमने क्या करना है, कंसीडर ए सिलेंडर विद रेडियस ऑफ बेस आर यूनिट्स एंड हाइट एच यूनिट्स। रेडियस ऑफ बेस आर यूनिट्स, हाइट हो गई उसकी एच यूनिट्स, ठीक है।
अब हम इस सिलेंडर को क्या मान सकते हैं कि जो ये सिलेंडर है बहुत सारे सर्कल से मिलकर बना है। ये देखिए यहाँ पे ये फिगर है, ये कहना चाह रही है कि ये दिस सिलेंडर इज एज्यूम टू बी बॉल नंबर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कल्स, राइट। तो ये देख लीजिए, इसको एक सर्कल ये हो गया मान लो, ये सर्कल्स एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे सर्कल से मिलकर बना हुआ है, इसको मान लीजिए। तो इसकी थिकनेस को मान लिए कि नेगलिजिबल है, ना के बराबर है, और रेडियस जो है इन सब का क्या है, यहाँ तक आर है, राइट। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल्स, इन सब सर्कल्स के एरियाज का सम बन जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वुड बी एरिया ऑफ ईच सर्कल इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये जो हाइट है इसकी ये आ गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। सो पाई आर स्क्वेयर एच जो है ये इसका वॉल्यूम हो गया सिलेंडर, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने सीखा ये कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इन टू एच प्लस। ये आपने रट लेने हैं, आपको समझा दिया है मैंने कैसे बने हैं। तो इस सिलेंडर को हम क्या बोल देते हैं और क्या बोल देंगे और किस फॉर्म में आ सकता है, वो ये है। इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल देते, सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल देंगे हम इसे, राइट। तो इसके बाद जो आगे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये तो था सिलेंडर जो सॉलिड होगा, अब ये सिलेंडर जो है होलो भी हो सकता है, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, होलो मतलब बीच में से खाली, राइट। तो जब ऐसा आ जाए तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो होलो सिलेंडर का हमने ये बनाया, बना हुआ है जो डायग्राम। सो लेट आर एंड आर बी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई, जो कैपिटल आर है वो एक्सटर्नल रेडियस हो गया, ऑफ द होलो सिलेंडर आर हो गया इंटरनल। अब एक्सटर्नल मीन्स ये आर, ये वाला रेडियस जो, ठीक है, और स्मॉल आर हो गया इंटरनल, ये यहाँ पे दिया स्मॉल आर, ये आर यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाएगा, ये अंदर वाले का ये बाहर वाले, ठीक है। और सो एरिया ऑफ ईच एंड क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे एरिया ऑफ ईच एंड तो एक्सटर्नल सिलेंडर का एरिया माइनस इंटरनल एरिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वेयर,
और इंटरनल का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो कॉमन चीज़ निकली है वो है पाई, तो यहाँ से ये फार्मूला डिवाइज हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। सो एरिया ऑफ ईच एंड वुड बी एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ईच एंड वुड बी एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ एंड, तो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ पे कॉमन आ गई आर स्क्वायर माइनस, राइट। अब यहाँ पे आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सॉरी यहाँ पे मैं सिलेंडर लिख गया हूँ, यहाँ पे जो है एक्सटर्नल सरफेस कर दीजिएगा सरफेस है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर क्या रहेगा, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, राइट। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया का फार्मूला टू एक्सटर्नल रेडियस है आर, ये है एच, तो टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्मॉल एच, तो टू पाई एच कॉमन आ गया आर प्लस आर बन गया यहाँ, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एच कहाँ पे है ये इसकी, ये यहाँ इधर थोड़ी नज़र नहीं आ रही, तो ये हाइट है इसकी यहाँ तक, यहाँ तक, राइट। तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो है टू पाई आर एच, टू पाई एच आर प्लस आर, ये जो है हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया ऑफ ए होलो सिलेंडर। अब ये कर्व था तो हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, राइट, एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस, ये यहाँ तक तो है आपको कॉमन, तो इसके साथ आ जाएगा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, राइट। सो कर्व्ड सरफेस कितनी है, अब दो हैं, कर्व सरफेस कितनी है, दो हैं, ठीक है। तो ईच एंड का जो एरिया था हमने वो निकाला था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, तो ये एरिया भी काउंट में आएगा, ठीक है। सो पाई ये था ईच एंड का, अब दो एंड हो गए तो दो आ जाएगा, बस चीज वही रहनी है यहाँ पे, ठीक है। तो टू पाई आर एच, तो इस दोनों में क्या कॉमन आ गया, टू पाई एच कॉमन आ गया, इन दोनों को अगर हम अलग अलग करके देखें तो ये टू पाई एच कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा आर प्लस आर, और इसमें क्या कॉमन आ गया टू पाई आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यहाँ पे एलजेब्रिक फार्मूला हमने यूज़ कर लिया, टू पाई आर प्लस आर आर माइनस आर, राइट। तो यहाँ पे क्या कॉमन रहा, अब टू पाई, ये टू पाई तीन दोनों में कॉमन हो गया, टू पाई आर प्लस आर एक बार आर आर प्लस एच माइनस आर, ये चीज़ मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि टू पाई हमने यहाँ से कॉमन ले दिया, तो बचा क्या था आर प्लस आर आर प्लस आर आर माइनस आर और एच बचा था, ठीक है। तो आर प्लस आर जो है दो बार आया, ये देखिए ऐसे बनाइए, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टू पाई एच आर प्लस
आर प्लस टू पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो यहाँ पे टू पाई कॉमन आ गया, आर प्लस आर ये दो बार है तो ये यहाँ पे एक बार आ गया, और दूसरा क्या बचा, आर माइनस आर प्लस एच, राइट। या इसको हम अदर वे भी लिख सकते हैं, प्लस वाले एक तरफ निकाल रहे माइनस वाला एक, तो ये बन गया टू पाई आर प्लस आर आर प्लस एच माइनस, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब हमने अगर इसके मटेरियल का कि इसमें कितना मटेरियल लगा है उसका मटेरियल का जो वॉल्यूम निकालना है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच आर माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब इसी तरह जो अगली फिगर है वो है हमारी राइट सर्कुलर कोन, या कोन भी बोल देंगे इसमें। तो यहाँ पर जो पिक्चर में आ जाती है, हाइट तो आपको पता ही है, ये हाइट होगी और स्लांट हाइट एल पिक्चर में आ जाती है, ठीक है। तो रेडियस हो गया इसका आर, ये वाला। तो ये क्योंकि ये अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ ये बेस है आर, ये हाइट है एल, क्या है स्लांट हाइट, और एच क्या है इसकी हाइट। तो इसका कर्व सरफेस एरिया रहेगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द बेस क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर यहाँ पे आ गया, और इसका वॉल्यूम रहेगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर है, ये हाइट क्या है एच, ये 1/3, राइट। ये हो गया राइट सर्कुलर कोन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्फीयर। स्फीयर जो है गोला हो गया पूरा, सरफेस एरिया हो गया इसमें 4πr² और वॉल्यूम हो गया 4/3πr³, राइट। और हेमिस्फीयर के लिए तो ये आधा हो गया 4πr² / 2, तो ये बन गया 2πr², सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πr² प्लस πr² 3πr², वॉल्यूम हो गया 2/3πr³। और इसी तरह स्फेरिकल शेल लाइक रिंग एट्सेट्रा यू कैन डू, आउटर सरफेस होगी, ये आउटर रेडियस हो गया, ये इंटरनल रेडियस हो गया, ये आउटर रेडियस, ये हो गया इनर रेडियस। तो आउटर सरफेस एरिया हो गया 4πr², इनर हो गया वॉल्यूम हो गया 4π 4/3πr³, क्योंकि वॉल्यूम इसका ये था स्फीयर का 4/3πr³, ये बन गया 4/3πr³ माइनस 4/3πr³, तो ये 4/3π 4/3π कॉमन आ गया, तो ये फार्मूला यहाँ पे निकल आया, ठीक है। तो बच्चों ये थे कुछ फार्मूले जो आपको इस चैप्टर में पूरे काम आएंगे, अगर आपने इनको बेसिक उसमें समझ लिया है तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। राइट, उसके बाद हम अब करेंगे इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो बच्चों एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³ आर जॉइंट टू एंड टू एंड। मान लो ये दो क्यूब हैं, ये
इनको ज्वाइन किया गया है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. राइट, तो अब हम क्या करेंगे, इसने हमें दिया है वॉल्यूम. राइट, सो जो चीज़ दी है हम इसको लिख लेंगे. सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये. सो लेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब बी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर. राइट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द सम वॉल्यूम इज इक्वल टू 64 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64. वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था ये हमने. सो देयरफॉर एक्स क्यूब इक्वल टू 64 किसका क्यूब है, 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये 3 कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्या आ गई, साइड आ गई इन दोनों क्यूब्स की. ठीक है, अब ये अलग अलग करके दिखाएं पर इनको ज्वाइन किया गया है. तो जब ये ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा. राइट, सो अब इस क्यूबॉइड के हमें चाहिए होंगे डाइमेंशंस. लेट द डाइमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड तो फॉर्म्ड आर क्या बनेगा, लेंथ एल कितनी बन जाएगी. अब ये दोनों जुड़ गए 4 प्लस 4, अब ये अलग अलग हैं, जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, 4 प्लस 4 8 बन जाएगी, 8 सेंटीमीटर. सो ब्रेड्थ कितनी रहेगी, ब्रेड्थ इनकी उतनी ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर. और हाइट भी कितनी रहेगी, सेम, दैट इज 4 सेंटीमीटर. राइट, ये हाइट भी 4 सेंटीमीटर, सिर्फ लेंथ, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, बाकी दो चीज़ें सेम रहेंगी. ठीक है, तो अब क्या पूछा उसने, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. राइट, सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अभी मैंने पीछे आपको बताया सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच. राइट स्टूडेंट्स, सो इसके बाद जो मैं करने जा रहा हूँ वो ऊपर, ये जो है ऊपर, इसके बाद का पोर्शन ऊपर करेंगे यहाँ पे. सो सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, वुड बी 2, 8 लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है, 4 लेंथ
सॉरी फोर ब्रेड्थ फोर हाइट प्लस एट लेंथ फोर है, तो कितना बन गया ये, टू एट फोर जा 32, फोर फोर जा 16 प्लस एट फोर जा 32, सो टू 32, 32 64 प्लस 16 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो उसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, अब क्यूब का क्या बन चुका है जोड़ने के बाद, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये लेंथ कितनी है 8, ब्रेड्थ 4, हाइट भी 4, 8 चौक 32, 32 चौक 128। वॉल्यूम हमेशा किस में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर क्यूब। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, राइट। नाउ नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसकी ये फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है कि होलो हेमिस्फीयर है ये और माउंटेड बाय होलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, ये जो डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो गया, आर इज 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, अब ये टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, इसमें से ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई, तो ये ऊपर वाली हाइट कितनी बच गई, 6 सेंटीमीटर, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये हमने इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट। सो हम यहाँ पर जो ये किया है हमने उसको लिखेंगे, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर कितना है 14 अपॉन 2 हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। तो अब जो ये होलो है देयरफॉर एरिया ऑफ इट्स इनर सरफेस वुड बी इक्वल टू व्हाट, टू, जैसे मैंने आपको बताया था 2πr², पाई ऊपर दिया है कि 22 अपॉन 7 लेनी है, 7 आर कितना है 7 इंटू 7, तो दिस 7 गॉट कैंसल दिस, सो 22 जा 44, 7 जा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज दिस, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सिलेंडर, सिलेंडर पोर्शन, सो एरिया ऑफ इनर फेस ऑफ द सिलेंडर दिस वुड बी इक्वल टू 2πrh, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूलास में बताया था, सो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज 7 एंड एच ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 6 हाइट, 7 गोट कैंसल्ड विद दिस, 12 टू जा 44 इंटू 6 सिक्स फोर जा 24 सिक्स फोर जा 24 प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो वेसल बना है ये हेमिस्फीयर और सिलेंडर को मिलाकर बना है,
तो इनका जो हमने अलग अलग इनर सरफेस का जो एरिया ले लिया है, तो अब ये टोटल का हमने बताना है, फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। तो इसको और इसको मिला के तो जो एरिया हमने निकाला वो ऐड हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ वेसल वुड बी इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ ऑफ इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर। बच्चों मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, ये इस बॉक्स में। देयरफॉर एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ वेसल, तो ये दोनों एरियाज ऐड हो जाएंगे 308 प्लस 264 64 और 8 72 72 302 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, राइट। तो बच्चों ये दो क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व किए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है तो अगले पार्ट में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको समझ में आया है अच्छी तरह, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके अगले पार्ट में देखेंगे, एक्सरसाइजेस को ख़त्म करने का प्रयास करें, ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। थैंक यू, गुड बाय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।